एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है 18th of May और आज बहुत बड़ा दिन है। वो आपको धीरे धीरे इस ब्लॉग में पता चलेगा, बट फिलहाल सुबह आई जस्ट टुक शावर एंड नाउ आई एम डूइंग दी पूजा। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम गाय ओम नमः शिवाय। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रवणम तमेव तमेव शर्वम मम देव देवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओम श्री वासुदेवाय नमः। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आओ तो सही माधव हे मंदिर में गाइए कीर्तन पूजा संपन्न हुई। दोस्तों आज ब्रेकफास्ट में है आलू के पराठे और दही। अंकल आज क्या क्या कर रहे हैं? क्या आज क्या क्या कर रहे हैं? अबे वो जो कुछ हो जाए इतना तो नहीं सज्जा होता। आप हाँ चले बाइट कर लें, ये दो लोग हैं आज तो इतना ये तो हो ही जाए। अंदर का तो अपन अकेले कर रहे हैं तो आज गैलरी कर लीजिएगा फिर। अच्छा गैलरी मम्मी ने मना किया ना अभी। कौन सी नीचे वाली? फिर ये कब करेंगे? आज आप पहले ये कर लीजिए। ये करेंगे हाँ। फिर उसके बाद गैलरी करेंगे। फिर इसमें ऑरेंज कलर भी तो लगेगा आपको। हाँ तो ऑरेंज पोत देंगे ना उसमें। ऑरेंज लाना पड़ेगा ना पहले। आप वाइट हाँ वाइट है तो टाइम है। ठीक है ठीक। मतलब आज नहीं हो रहा वो। इसमें हो जाएगा क्रीम कलर इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है। आई एम एट माई कर्म भूमि। तो आज बहुत सारे काम हैं। मैंने काम को टाइम के सेगमेंट्स के हिसाब से डिवाइड कर दिया है। मुझे दिन में क्या करना है, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, लेट्स सी क्या कितना मैं कब कर पाती हूँ। बट अगर ये टाइम बेस्ड डिवाइडेड नहीं होता ना तो बहुत माइनस आ राउंड एंड राउंड हो जाता। ये कौन सा राउंड एंड राउंड हो जाता। तो फिलहाल सबसे पहले मैं यहाँ की सफाई करूँगी, पूजा करूँगी और फिर हम काम स्टार्ट करेंगे। हेयर आई एम। मैंने अभी अपना जो भी दिमाग में मेरे चल रहा है जितने भी काम है ना सारे के सारे अपनी डायरी पे उतार लिए हैं। इससे काम इजी हो जाएगा करने में। तो सबसे पहले मुझे अपना कंटेंट जो है रील जो है वो एडिट करके अपने बिजनेस पेज पे अपलोड करनी है। सेकंड थिंग आज मुझे फोटोशूट करना है। मैं काफी दिनों बाद आज फोटोशूट करने वाली हूँ। कुछ न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनका फोटोशूट करना है। तो उसके लिए मैं ना कुछ ऐसे मम्मी के दुपट्टे लेके आई हूँ। दिस वन इज द ऑर्गेन्जा वन। ये दुपट्टा मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ऑफ व्हाइट कलर में इसमें से रोजेस बने हुए हैं। एक मैं प्लेन कपड़ा लेके आई हूँ जिसको मैं ऐसे मतलब कॉन्ट्रास्ट करूंगी और एक मैं थोड़ा सा इंडियन में कपड़ा लेके आई हूँ। इसका एक्चुअली मुझे ना ये वाला पार्ट यूज करना है। मतलब ये बहुत सुंदर दुपट्टा है, ऐसे कट वर्क है। आई लव कट वर्क। मतलब जिस तरह साड़ी में हो चाहे ये सूट में हो अच्छा लगता है मुझे ऐसा। तो इसका जो ये बेज वाला कलर है ना बेसिकली मुझे ये यूज करना है। एम्ब्रॉयडरी तो मेरे काम नहीं आएगी तो मैं ये ऐसा यूज करूंगी इस साइड पे। सो ये मेरे टास्क लिस्ट में है। ऑल्सो मुझे कुछ और भी इम्पोर्टेंट एडिट्स करने हैं तो वो भी मैं करूंगी। तो कोशिश करूंगी कि फटाफट ये सारी चीजें हो जाएं। या लेट्स गेट स्टार्टेड। ये देख लो आप मेरा एक सस्ता सा सेटअप। अभी आपको फ्रेम बड़ा सुंदर सा लग रहा है ना, ये देखो दैट्स हाउ माय सेटअप लुक्स लाइक। यहाँ पे मैंने अपना एक ऐसा वाला वो रख दिया है ट्रे
और उसके ऊपर मैंने बेस में वो कलर बिछाया जो हम प्लेन कपड़ा लेके आए थे लाइक दिस वन, उसके ऊपर फिर मैंने ये बिछा दिया। एंड हेयर ऑल द ब्रेसलेट्स, यहाँ पे और भी कुछ ब्रेसलेट्स है जिसका शूट करना है। ये वाला भी मैंने यूज नहीं किया कपड़ा, बट इट्स लुकिंग गुड, बस मेरा फोटोज में आउटकम अच्छा आना चाहिए, देन आई विल बी सक्सेस। एक जुगाड़ आपको और दिखाऊं, तो मतलब ये स्टैंड से खड़े कैसे हैं, मतलब ऐसे कुछ हो तो सकता नहीं है। तो मैंने ना इसके पीछे से छोटे छोटे से ना क्लचर्स रख दिए हैं, तो क्लचर्स की वजह से यहाँ से इसमें ऐसा उठाव दिख रहा है जो कि फोटोज के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट सेटअप इज दिस, लाइक इसमें ज्यादा कुछ चेंज आपको दिख नहीं रहा होगा, बट मैंने इसको साइड में हटा दिया है। अब बेस में वही कलर है जो हम प्लेन कलर लेके आए थे। अब दोनों फोटोज कंपेयर करूंगी कि कैसा फोटो आया है, फिर उस हिसाब से उसको एडिट करके डालूंगी। फिलहाल अभी सिर्फ ऐसा ही नहीं जाता है, अभी मैंने ये बल्क में लिया है, इसके बाद अभी इनका सिंगल फोटो शूट होगा, इसकी वीडियो बनेगी एंड वो जाएगी। सो बहुत सारी प्रोसेस होती है, एक कॉन्टेंट ऐसे ही शूट नहीं हो जाता है, उसे काफी कुछ लगता है ना, आई एम वॉचिंग व्लॉग ऑल्सो, तो सारा काम साथ में हो रहा है। मैंने पूरा अपना सेटअप उठा लिया है यहाँ पे, लाइक इसमें कुछ हेयर एसेसरीज हैं, चेन्स हैं, फ़ोन में बैटरी भी कम हो गई है, चार्जर है, यहाँ मम्मी हैं, और अब हम जा रहे हैं भोजन करने क्योंकि बज गए हैं दोपहर के 2। और पहले मैं यहाँ व्लॉग करती थी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैच था जिसको ओमी मुक्कू ने हाथ कर करके और ज़्यादा उसका पलस्तर निकाल दिया था, बट नाउ दिस इज फाइन। और ये देखो बाहर पूरा आज ऊपर सामने हो रहा है, ये पूरा वाइट वाइट गिरा हुआ है। गाइस इन टुडेज लंच वी हैव राजमा चावल एंड सैलेड, एंड राजमा हमारे घर में आज 1000 साल बाद बना है, बहुत टाइम बाद हम आज राजमा चावल खाने वाले हैं। अभी आपने ही मना किया कि दही नहीं खाते हैं इसके साथ में, मैंने देखा है लोग दही देते हैं इसके साथ में, मील ही वैसा होता है, दही और ये रायता तो मिलता ही है ना, तो आप मना कर रही हो तो अब मेरा खाने का मन मर गया, आज तो मैं इसी को एंजॉय करने वाली हूँ। वैसे इतना ज़्यादा मुझे राजमा पसंद नहीं है, बट कभी कभार बनता है, आई लाइक इट। एडिटिंग कर रही थी और अभी मुझे कलर लेने जाना है, 3 बजने वाला है, एडिटिंग करनी है, कलर लाना है, अपलोड करना है, थंबनेल बनाना है, ट्यूशन पढ़ानी है, कट टू कट चल रहा है मेरा काम, एकदम कट टू कट, लेकिन कलर पहले ज़रूरी है, वो लेके आते हैं। साहब जस्ट लुक एट मी, लुक एट द स्वेट, ऑन ही नहीं हुई धन्नो हमारी, आज हमारी धन्नो मूड में नहीं है ऑन होने के, मुझे से काफ़ी दिन से सर्विस सेंटर पे लेके जाना है, बट बिकॉज ऑफ दिस हीट, क्योंकि दिन में ही जा सकती हूँ और वहाँ अंकल की दुकान पे बैठने का मन नहीं करता है बिल्कुल, इसको ले जा नहीं पा रही हूँ, वो ऑन ही नहीं हुई, सो आई डोंट थिंक आज मैं जा पाऊँगी, अब मेरे में हिम्मत भी नहीं है, जस्ट लुक एट द स्वेट। भाई नीचे से आने के बाद मैं बस 2 मिनट के लिए वॉशरूम क्या चली गई, ओ माई गॉड, ऐसी स्थिति हो गई ना मेरी, ऐसी किलपाने वाली गर्मी, ऐसे किलपाने वाला पसीना मेरे को आया ना, मेरे दिमाग की दही हो गई है। उसी में मम्मी ने बोला कि अंकल लोगों के लिए थोड़ी चाय बना दो, तो अभी मैंने चाय चढ़ाई हुई है, एंड एडिटिंग मेरी ऑलमोस्ट पूरी ही हो गई, बस मुझे अब उसको सेविंग पे लगाना है, बट उससे पहले अंकल ने शूट जितना मैं कर सकती हूँ, मैं सोच रही हूँ हेयर एसेसरीज का शूट कर लूँ क्योंकि वही सबसे ईजी पड़ेगा, बाकी नेक चेंस और बाकी चीज़ों के लिए मुझे सेटअप बिठाना पड़ेगा, तो अभी मैं जितना कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सिर्फ 20 मिनट है और उसके बाद मेरी ट्यूशन्स है। भाई इतना मैं लास्ट मोमेंट चीज़ें क्यों करती हूँ, लेट्स डू इट। भाई साहब सिर्फ और सिर्फ हेयर एसेसरीज का शूट हो पाया है, आई शूटेड फॉर दीज क्यूट लिटिल बूज, और इतनी ज़्यादा हीट हो गई है ना, आई एम गोना गो, बच्चे भी आ गए हैं और उनको पढ़ाना है, मैं नीचे से जाके वापस ये लेके आई थी, अंकल को मैंने चाय बना के भी दे दिया है, अब मैं ट्यूशन्स पढ़ाऊँगी, व्लॉग सेव करूँगी, अपलोड करूँगी, ढेर सारे काम है। बज चुके हैं शाम के 6 और आज मुझे ट्यूशन पढ़ाते हुए इतने ज़ोरों की नींद आ रही थी, इतने ज़ोरों की नींद आ रही थी लगभग सो जाऊँ, बट नहीं सो सकती थी। एंड ऑल्सो अभी यहाँ पे सारा कुछ ऐसा फैला हुआ है, आई एम डूइंग माई वर्क, फाइनली व्लॉग अपलोड हो गया है बिल्कुल टाइम से, उसमें ज़रा भी डिले नहीं हुआ है। अभी रिया आई हुई है एंड हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपनी शॉप का काम, क्योंकि कल संडे है और सबसे पहले मैंने आपको जो लास्ट ब्लॉग में बताया था कि ये कवर होने वाला है, इसका काम स्टार्ट होगा, तो हमें यहाँ पे ये सारा कुछ क्लियर करना है, साफ करना है, तो रिया मेरी हेल्प करने वाली है उसमें, एंड ऑल्सो वी आर हैविंग गन्ने का जूस और इसका ग्लास ना बहुत ज्यादा छोटा है, ये ऐसा ही लगता है कि इसका ग्लास बहुत ज्यादा छोटा है, मैंने लास्ट टाइम उनको बोला था छोटा है, तो उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा डाल के दिया था, इसे तो मतलब पन्नी में लेते थे, तो एक्स्ट्रा डाल के देते, ये बहुत ही ज्यादा छोटा ग्लास है, लाइक इससे बड़ा ग्लास आता है, काफी
सब जगह पर। नाउ रिया मेरी हेल्प करने वाली है, जूस पीने में। जूस पीने में मेरी हेल्प मत कीजिए, मैं अकेले पी लूंगी। रिया मेरी हेल्प करेगी, ये सब पैकअप कर देगी। बड़ा ही फोर्स का काम है यार, दिमाग की दही हो रही है। तो वो ट्यूशन पढ़ा तो इतनी नींद आ रही, इतनी जल्दी मैं उसको सो जाऊं। बट टू बैड, वी एम्प्टीड दिस। और एक्चुअल हमने एक घंटे में ये काम किया है पूरा। 6:20 पे स्टार्ट किया था, 7:22 पे हमने ये ख़त्म कर दिया। अभी ये सिर्फ क्लियर ही हुआ है और मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे, और जबकि मुझे पता है कि मैं दो दिन में वो कर लूँगी इसको, लेकिन उसके बाद भी बहुत अजीब सा लग रहा है। वो दो रैक हम नहीं हटा रहे हैं, बिकॉज वो रैक हम आगे खसका देंगे और काम हो जाएगा। सबसे पहले कल ये पूरा का पूरा सीमेंट ईट से पूरा का पूरा पैक होगा। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए मैं अभी नहीं निकाल रही हूँ। पूरा मत पाड़, अगर कोशिश कर सकती है तो नॉर्मल निकाल ले। हाँ तो वो पैक होगा, और ये भी मैं नहीं हटा रही हूँ टेबल, क्योंकि ये भी हम साइड कर सकते हैं। अब इधर का ये देखिए, पूरा सामान हमने शिफ्ट किया है इस रूम में। ये ना पहले मेरा रूम ये हुआ करता था, और ये हमारा पूजा का रूम हुआ करता था। यहाँ पे हमारे भगवान रखे हुए थे सबसे पहले जब हम इस फ्लोर पे रहते थे। अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा पूरा सामान आ चुका है, वहाँ पे मेरे पैकिंग के डिब्बे हैं। अगर मुझे जितने दिन काम चल रहा होते दिन में ऑर्डर्स आ गए ना, मुझे मौत आने वाली है काम करने में, क्योंकि अभी इसमें ढूंढना कहाँ क्या रखा है। वैसे जिन चीज़ों के ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं वो मैंने सामने ही रखने की कोशिश की, फिर भी ऐसे सिचुएशन में काम करना इज़ लिटिल डिफ़िकल्ट। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सामान अपना रख दिया है, बट लेट्स सी कितना टाइम लगेगा इसको निपटने के लिए। और आज मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था, आज बहुत बड़ा दिन है। तो वो दिन है कि आज RCB और CSK का नॉकआउट मैच है। RCB जीती तो CSK नॉकआउट हो गया, और CSK जीती तो RCB। आई जस्ट प्रे आज CSK जीत जाए और हम फिनाले, मतलब हम क्वालिफाई कर जाएं। बहुत होप है, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और द डिफ़िकल्ट पार्ट इज अगर RCB जीत गई ना, तो आज धोनी का ये लास्ट मैच होगा। दैट इज़ वेरी लाइक, समझ रहे हो ना वाली सिचुएशन है। तो मैं बस प्रे कर रही हूँ कि CSK जीत जाए। इतना ज़्यादा ऐसे धूल सा हो गया ना, और इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है। रिया भी नहाने गई है और मैं भी अब नहाने जा रही हूँ, 8 बजने वाले हैं। गाइज आई टुक शावर एंड चेंज, नहा के वैसा खासा कुछ ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं, क्योंकि पानी थोड़ा गर्म ही आ रहा था। बट हाँ, जो वो धूल से बड़ी किचकिच सी हो रही थी ना शरीर में, वो क्लियर हो गई है। फिलहाल हम गोना डू पूजा शाम की, एंड ऑल्सो उसके बाद मैं रिया को लेके जा रही हूँ बाहर, उसको थोड़ा सा काम भी है, एंड वी ईट समथिंग हल्का फुल्का सा, बिकॉज उसने भी मेरे साथ काफ़ी मेहनत कराई है। तो मुझे मेरा हक बनता है, मतलब मेरा हक नहीं, मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं उसको हल्की छोटी सी बिल्कुल इतनी सी ट्रीट दे दूँ। सो जो भी वो कहेगी वो हम खाने जा रहे हैं। पर हम पहले पूजा करेंगे। तो गाइस धीरे से बोलती हूँ ताकि आंटी ना सुन लें। सारी दिन सुबह आंटी के दुपट्टे लेके गई थी शूट पे, और इनने ऐसे ही चेयर पे डाल दिए हैं। अब मैं बहुत तेज बोलूँगी ताकि आंटी सुन लें, और इनको बहुत देखो देख लो गाइस, 300 रुपये देगा। मैट में पानी गिर चुका है पापा, बोल दूँ आंटी से 300 रुपये लेगा। कौन आंटी? आंटी देखना, लेके गई थी ये भी नहीं कि रख दे फोल्ड करके, ये स्वाद नहीं थी। तुम्हें से टाइम मिला है जब से, अभी देखना पूरी चेयर पे दुपट्टे दुपट्टे पड़े हैं। अच्छा लगता है अभी कोई आ जाएगा तो। और आपके नए दुपट्टे हैं अभी, उनमें कुछ भी और वो एक और
का दुपट्टा है। और आंटी वो कॉर्गेंजा का दुपट्टा है वो जरा सा भी गंदा हो जाएगा तो वो कितना अच्छा दुपट्टा लेके गई थी। हाँ वो गंदा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। पता मैंने क्या किया नीचे ना इसे वीडियो बनाने में ले गई होगी। हाँ वीडियो मारी वही कि वहीं से कपड़ा फिर मैंने अलमारियों में रख के ढूंढू हाँ मिले ना मिले ना है कितने सारे ब्लाउज पीस कितने क्या क्या लेके गई वहाँ रखे। और अभी भी पूरे ऐसे ही पड़े भी कोई आ जाए ऐसे बैठने के लिए कोई कहाँ दुपट्टे पे बैठे और वो गंदे हो जाएंगे। चलो चिल्ला लेना प्लीज आंटी तेज चिल्लाना। हाँ क्या ना मेरा सामान मत छुओ करो देख के तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बहुत नींद आ रही है मुझे फ़िलहाल। बट मैं मैच देख रही थी और आज का मैच काफ़ी लो जा रहा है। आई एम नॉट हैप्पी लाइक अभी जडेजा और धोनी खेल रहे हैं बट दिल बहुत धक धक हो रहा है। वी हैव अ थिंक कि अगर हम 200 क्रॉस कर लेते हैं तो वी विल क्वालिफाई। अगर हम मैच हार भी जाते हैं फिर भी हम क्वालिफाई करेंगे। सो आई डोंट नो हालात तो ऐसे नहीं लग रहे हैं होने के क्योंकि अभी हम 134 पे 6 हैं। माही इज प्लेइंग उम्मीदें सारी यहाँ टिकी हुई है। लेट्स सी फिंगर क्रॉस्ड। कल फिर आइएगा।